हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं एक बड़ी खबर देने वाला हूँ जो आप लोग को जानना जरूरी है, हॉकी प्रेमियों को जानना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश की ढाका में 14 दिसंबर से खेले जाने वाला है हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021। लेकिन इससे पहले एक खबर, बड़ी खबर जो आप लोग जानना जरूरी है, वो अभी अभी मिला, जो कल से मिल चुका था, लेकिन मैं आपको अभी सुबह सुबह ये आपको देने वाला हूँ, जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हॉकी प्रेमी है वो पल पल की खबर जानने के लिए अपेक्षा रखते हैं ही प्रेमी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ये वीडियो बनाऊँ और आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ। तो चलिए जानते हैं क्या है नया अपडेट खबर। आप सब लोग जानते होंगे बांग्लादेश ढाका की मौलाना वसीम स्टेडियम में खेला जाएगा हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021। इस बार ये मैच बांग्लादेश में हो रहा है और इसके लिए सभी टीमों पहुंच चुके हैं। एशिया महादेश की जो 6 टीम भाग लेने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन कल रात में एक नया अपडेट आ गया जो आपको मैं आज देने वाला हूं, क्योंकि आप जो लोग हैं हॉकी प्रेमी, आप इसके बारे में जानना जरूरी है। तो क्या है वो खबर, आप जान लीजिए। बांग्लादेश की ढाका में हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 खेले जाने वाला है। एशिया महादेश की 6 टीमों ने ये ट्रॉफी में भाग लेने वाले हैं, जो कि अभी ढाका में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच और एक नई खबर आ गई, जो 6 टीम एशिया महादेश की खेलने वाले थे वो टीम जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, कोरिया, मलेशिया, ये दोस्त को लेकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजित होता है, जो इस बार भी बार बार पोस्टपोन के बाद कोविड की वजह से इस बार बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन इस बीच और एक खबर आ गई है कि जो आप लोग जानना जरूरी है, मलेशिया ने इस बार एशिया की जो टीमों के साथ खेलने वाला था एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मैच नहीं खेलेगा। तो ये खबर कल रात एशियन हॉकी फेडरेशन ने ट्वीट करके बता दिया कि ये जो एशिया महादेश की 6 टीमों के लेकर जो मैच खेला जाने वाला था एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में जो 6 टीम भाग लेने वाले थे, उसमें से मलेशिया ने अपने को बात दे दिया है। वो क्यों नहीं खेल पाएगा उसके बारे में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन कल एशियन हॉकी फेडरेशन ने ट्वीट करके ये बता दिया। तो पहले जो शेड्यूल था वो शेड्यूल और एक बार हो गया, और एक बार शेड्यूल तैयार करके कल एशियन हॉकी फेडरेशन ने अपडेट कर दिया। तो मैं जल्दी वो जो अपडेट शेड्यूल है मैच का उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये सूचना मिली तो सोचा कि हमारा दर्शकों को भी ये खबर दे देना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ। मुझे लगता है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रही होगा। हमारा वीडियो अच्छी लग रही होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।